नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। फिल्मों से लेकर किताबों तक और दादी नानी की कहानियों से लेकर गीतों और गजलों तक हर जगह चांद की चर्चा ने हमेशा से चांद के बारे में जानने की दिलचस्पी पैदा की है और यही वजह है कि वैज्ञानिकों के अलावा आम आदमी के लिए भी चांद हमेशा से एक कौतूहल का विषय रहा है। चांद के रहस्यों को जानने के लिए दशकों से कई देश अपने अंतरिक्ष यान को चांद पर भेजते रहे, जिनमें रोबोट से लेकर मानव तक शामिल हैं। लेकिन फिर भी चांद के बारे में अधिक से अधिक जानने की जिज्ञासा कम नहीं हुई और पृथ्वी के इस एकमात्र उपग्रह के बारे में जानने के लिए दुनिया के कई देश लगातार कोशिश में जुटे हैं। और इसी क्रम में चीन ने पहली बार चांद के अनदेखे हिस्से पर दुनिया का पहला स्पेस प्रोब चांग-E4 उतारने में कामयाबी हासिल कर ली है। चीन ने पहली बार चांद के एकदम अंधेरे हिस्से में रोबोटिक स्पेस क्राफ्ट की सॉफ्ट लैंडिंग की, जिसके बारे में कोई नहीं जानता है। चीन के इस मिशन से चांद के बारे में कई नई जानकारियां मिलने की उम्मीद है। आज विशेष में बात करेंगे चीन के चांद मिशन चांग-E4 के बारे में, साथ ही चीन के नकली चांद बनाने और अंतरिक्ष में उसके बढ़ते दखल की। इसके साथ ही जल्द ही प्रक्षेपित किए जाने वाले भारत के चंद्रयान-2 मिशन पर भी चर्चा होगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। चीन अंतरिक्ष में लगातार नई उपलब्धियां हासिल करने में जुटा है। इस कड़ी में उसने अपने चांद मिशन के जरिए ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। चीन ने पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा के अनदेखे हिस्से पर दुनिया का पहला स्पेस प्रोब उतारने में कामयाबी हासिल की है। चीन के चांग-E4 लूनर रोवर ने सॉफ्ट लैंडिंग के जरिए चांद के उस पार यानी कि धरती से नहीं दिखने वाले हिस्से पर लैंड किया और वहां से तस्वीरें भेजी हैं। चीन ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक बड़ी छलांग लगाई है। इस बार चीन ने गुरुवार यानी 3 जनवरी को पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा की दूसरी ओर पहला रोवर उतारकर इतिहास रच दिया है। चीन ने पहली बार चांद के डार्क साइड यानी अंधेरे हिस्से पर अंतरिक्ष यान उतारने में कामयाबी हासिल की है। चीन के इस ल्यूनर रोवर का नाम है चांग-E4। चीन के राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन ने घोषणा की है कि अंतरिक्ष यान चांग-E4 ने चंद्रमा की दूसरी ओर की सतह को छुआ और तस्वीरें भी भेजी। एक लैंडर और एक रोवर वाला अंतरिक्ष यान सुबह 10:26 पर 177.6 डिग्री पूर्वी देशांतर और 45.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में चांद के अनदेखे हिस्से में उतरा, जो पृथ्वी से कभी नजर नहीं आता। चांग-E4 का प्रक्षेपण शिचांग के प्रक्षेपण केंद्र से 8 दिसंबर को लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट के जरिए किया गया था। ये यान दक्षिण ध्रुव के एटकिन बेसिन में वोन कार्मन क्रेटर में उतरा और उसके लैंडर ने मॉनिटर कैमरा से ली गई लैंडिंग स्थल की एक तस्वीर भेजी। चंद्रमा का आगे वाला हिस्सा हमेशा धरती के सामने होता है। आगे वाले हिस्से में कई समतल क्षेत्र हैं। इस पर उतरना आसान होता है, लेकिन इसकी दूसरी ओर की सतह का क्षेत्र पहाड़ी और काफी ऊबड़ खाबड़ है। 1959 में पहली बार सोवियत संघ ने चंद्रमा की दूसरी तरफ की सतह की पहली तस्वीर ली थी, लेकिन अभी तक कोई भी चंद्र लैंडर या रोवर चंद्रमा की विमुख सतह पर नहीं उतर सका था। इसमें लैंड होना बहुत डिफिकल्ट काम है, अभी तक कोई नहीं किया है। चांद किया, आई मीन चाइना किया है, अभी एक महत्वपूर्ण बात है। बिकॉज उधर लैंड करना है तो आप वो लैंड करने के वो पूरा समय धरती के साथ कम्युनिकेशन भी नहीं होगा, बिकॉज दूसरी साइड में होगा ना, सो उस साइड में कम्युनिकेशन नहीं होगा। सो उसका मतलब कम्प्लीटली ऑटोमेटेड तरीके से आप उसको तैयार करके भेजना पड़ेगा। सो एक्चुअली एक स्पेस मिशन में एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है। चांद के जिस हिस्से पर चीन का लूनर रोवर उतरा है वो धरती से काफ़ी दूर है और इसके बारे में कोई बड़ी जानकारी नहीं है। जो हिस्सा हमें दिखता है वो नियर साइड ऑफ द मून कहलाता है। चांद का दूसरा हिस्सा जो हमें नहीं दिखता उसे डार्क साइड ऑफ मून या फार साइड ऑफ मून कहा जाता है। जिस गति से चांद धरती का चक्कर लगाता है उसी गति से वो अपनी धुरी पर भी घूमता है।
इसलिए धरती से यह हिस्सा नहीं दिखाई देता। चांग ई 4 मिशन को सॉफ्ट लैंडिंग के जरिए अंजाम दिया गया। सॉफ्ट लैंडिंग यानी विमान बहुत ही धीमी गति से चांद की सतह पर उतर जाता है और उसके अंदर उपकरणों को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होता है। दुनिया में यह तकनीक चीन के पास है। चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद उम्मीद की जा रही है कि यह उसकी सतह पर 27 दिनों तक भ्रमण करेगा। बहुत बड़ी उपलब्धि इसलिए है कि अब यह संभव होगा क्योंकि चांद के दूसरी तरफ तो किसी ने अभी तक कोई जान उतारा नहीं था। अब ये उतारा है, ये रोवर है, रोवर यानी कि ये चल फिर सकता है चांद के सतह के ऊपर। तो अब ये खोज करेगा कि उधर क्या है, कैसा है, क्योंकि हम जानते हैं कि चांद के जो सतह है, जो हमें दिखता है पृथ्वी से और जो हमें नहीं दिखता, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। जो हमें दिखता है वो काफ़ी सपाट है, यानी वहाँ ज़्यादा उबड़ खाबड़ नहीं है, लेकिन जो दूसरी सतह जो है चांद के, जो हमें दिखता नहीं है पृथ्वी से, वो बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ है। इसीलिए ये बहुत चिंता की बात थी, भाई सही उतरेगा कि नहीं। चांग ई 4 चंद्रमा की सतह के बहुत दूर जमीन पर उतरने वाला पहला रोवर है। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि चंद्रमा की सतह पर चट्टानों को जमा करके ये रोवर चांद के इतिहास और उसके भूविज्ञान के बारे में एक नई रोशनी डालेगा। हम कह सकते हैं कि चांग ई 4 मिशन चंद्रमा के रहस्यमय पक्ष का पता लगाने में अहम भूमिका निभाएगा। ये डार्क साइड पर मौजूद खनिजों के बारे में भी पता लगाएगा। चीन का रोवर चांद के डार्क साइड पर रिसर्च तो करेगा ही, ये रोवर अपने साथ कुछ रेशम के कीड़ों के अंडे, कुछ पत्ते, पौधे, कई तरह के बीज, आलू के बीज लेकर गया है। ये सारी चीजें एक तरह के बॉक्स में बंद है। रेशम के अंडों से जब कीड़े निकलेंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालेंगे, पौधे ऑक्सीजन निकालेंगे। ये एक तरह का प्रयोग होगा कि क्या चांद पर भी पृथ्वी की तरह जीवन हो सकता है। चांद पर चीन के इस मिशन के दो मकसद है। पहला, इसका एक्सप्लोरर क्विकियो उपग्रह के जरिए जमा की गई जानकारी और डेटा को चीन तक भेजने में सक्षम होगा। दूसरा, इसके लैंडर और रोवर चंद्रमा की सतह का पता लगाने के लिए मिलकर काम करेंगे। इसके पेलोड में प्रयोगों के लिए आवश्यक सामग्री शामिल है। इसमें कम आवृत्ति रेडियो स्पेक्ट्रोमीटर, एक कैमरा और एक घुमावदार रडार शामिल है। चीन की पौराणिक गाथाओं में चांग ई को चांद की देवी माना जाता है। लैंड हुआ ना कामन सेक्टर करके, एटकन बेसिन करके, एक 13 किलोमीटर का डेप्थ है उसमें। वो एक कोई और स्पेस रॉक उसमें टकरा के एक दिस डिप्रेशन को फॉर्म किया है। सो वो बोल रहा है दैट चांद का अंदर का मटेरियल बाहर है। सो इसका मतलब है उधर आप रोवर करके स्टडी करने के सिर्फ सरफेस नहीं है, अंदर के ऊपर भी आप एक स्टडी कर सकता है। एंड ये क्रेटर्स दूसरा साइड में बहुत ज़्यादा है। सो एक तरीके से चांद अर्थ को एक प्रोटेक्शन के रूप में रख चुका है। ये क्रेटर्स किस समय में फॉर्म हुआ, उस समय में लाइफ धरती में रेज हुआ है। सो वो स्टडी करने के समय धरती का कंडीशन क्या क्या था वगैरह हम जानकारी कर सकता है। चीन के इस ताज़ा स्पेस मिशन से ये साफ पता चलता है कि अंतरिक्ष अभियान में चीन बहुत आगे निकल चुका है। चीन ने ऐसा काम किया है जो अमेरिका ने सोचा तक नहीं। चीन अब अपने तीसरे स्पेस स्टेशन को 2022 तक संचालन करने की योजना पर काम कर रहा है। चांग ई 4 चीन की स्पेस एजेंसी की एक महत्वपूर्ण परियोजना है। तियांगोंग 1 की असफलता के बाद चीन की चांग ई 4 से काफी उम्मीदें बंधी हैं। चीन ने 29 सितंबर 2011 को तियांगोंग 1 को लॉन्च किया था, लेकिन अंतरिक्ष कक्षा से बाहर निकलने के बाद यह पृथ्वी पर वापस आते वक्त दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इससे चीन की स्पेस एजेंसी को काफी धक्का लगा था। माना जा रहा है कि चीन को चांग ई 4 से अपनी साख को हासिल करने में मदद मिलेगी। इससे पहले चीन 2013 में चांग ई 3 रोवर को चांद के सामने वाले हिस्से पर उतार चुका है। इससे पूर्व चीन का मानव रहित अंतरिक्ष यान चांग ई 3 चांद की सतह पर कदम रख चुका है। उनका सेकेंड लक्ष्य था दैट चांद का दूसरा साइड, दैट इज वो साइड हम देख ही नहीं सकता है, उस साइड में सॉफ्ट लैंड करना, एक रोवर को इधर उधर भेजना। वो सैफलॉन कर दिया है, अभी उसका पहला पिक्चर आ गया है। उसका मतलब है उनका सेकंड गोल भी अचीव कर दिया है। थर्ड गोल है दूसरा साइड एक यान को लैंड करके उधर से सैंपल कलेक्ट करके धरती को वापस करना है। वो प्रोग्राम चांग 5 करेगा, इस साल का
दिसंबर में वो लॉन्च करने के लिए वो प्लान करके रखा है। चांग E4 मिशन एक ल्यूनर एक्सप्लोरेशन मिशन है। चीन ने 2004 में ल्यूनर कार्यक्रम यानी चांद मिशन की शुरुआत की थी। चांग E4 चीन की ओर से लॉन्च चौथा ल्यूनर स्पेस प्रोब है। चीन ने सबसे पहले 2007 में चांग E1 स्पेस प्रोब लॉन्च किया था। इसके बाद 2010 में चांग E2 और 2013 में चांग E3 को लॉन्च किया गया था। चांग E4 की सफलता से चीन के अंतरिक्ष कार्यक्रम को काफी मजबूती मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। चीन अंतरिक्ष में लगातार अपनी पहुंच बनाने में जुटा हुआ है। अंतरिक्ष में नए नए अभियान के तहत अब चीन अपना चांद लॉन्च करने की तैयारी में है। दरअसल चीन अपने शहरों को रोशन करने के लिए अंतरिक्ष में आर्टिफिशियल चांद भेजेगा। इसके जरिए वो शहरों में स्ट्रीट लाइट पर होने वाले खर्च में कटौती ला सकता है। चीन के वैज्ञानिक 2020 में इस आर्टिफिशियल चांद को लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। सालों से लोगों के लिए चंद्रमा कौतूहल का विषय रहा है। पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा से ही रातें रोशन होती हैं। बच्चों के लिए चंदा मामा के रूप में चर्चित ये उपग्रह सौर मंडल का पांचवा सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह है। लेकिन क्या ये संभव है कि कोई देश अपने लिए अंतरिक्ष में चांद बना ले? सवाल थोड़ी हैरानी भरा है, लेकिन चीन के वैज्ञानिक इसे मुमकिन बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। चीन के वैज्ञानिकों की माने तो 2020 तक चीन में अपना कृत्रिम चांद चमकने लगेगा। चीन का दक्षिण पश्चिम सिचुआन प्रांत एल्यूमिनेशन सैटेलाइट यानी कि प्रकाश उपग्रह विकसित करने में जुटा है। ये उपग्रह असली चांद जैसे ही चमकेगा, लेकिन इसकी रोशनी उस चांद की तुलना में 8 गुना ज्यादा होगी। इस योजना पर पिछले कुछ सालों से काम चल रहा है और अब ये अपने अंतिम चरण में है। 2020 तक इस सैटेलाइट को भेजने की योजना है। अगर ये योजना सफल होती है तो 2022 तक चीन ऐसे 3 और सैटेलाइट भेज सकता है। अब सवाल उठता है कि ये कृत्रिम या नकली चांद काम कैसे करेगा? ये नकली चांद एक शीशे की तरह काम करेगा जो सूर्य की रोशनी को प्रतिबिंबित कर धरती को रोशन करेगा। सूर्य की किरणें 3600 वर्ग किलोमीटर से 6400 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर कर सकती हैं। कृत्रिम चांद धरती से 500 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होगा, वहीं असली चांद धरती से 3,84,000 किलोमीटर दूर है। माना जा रहा है कि चीन के इस चांद की रोशनी 10 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के बीच फैली होगी और ये असली चांद के मुकाबले 8 गुना अधिक रोशनी देगा। रोशनी की तीव्रता को एडजस्ट किया जा सकेगा और समय के मुताबिक कंट्रोल भी किया जा सकेगा। एक्चुअली आर्टिफिशियल मून करके उसको यूफिमिस्टिकली बोल रहा है। बेसिकली ये सिंपली एक स्क्रीन है, लाइक अच्छा रिफ्लेक्ट करने का एक स्क्रीन को आप स्पेस में एक जगह में आप रखेंगे, वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। लाइक हम बचपन में खांची लेके सनलाइट को इधर उधर रिफ्लेक्ट करके दूसरा का मुंह में रिफ्लेक्ट करके खेलता है ना, उसी तरह ये स्पेस में, ये चांद के दूर नहीं जाएगा, स्पेस में 300-400 किलोमीटर्स के ऊपर होगा। एक बड़ा स्क्रीन होगा, वो स्क्रीन सनलाइट को फोकस करेगा धरती में एक स्पॉट में। दरअसल अंतरिक्ष में नकली चांद भेजने के पीछे चीन का मकसद पैसे बचाना है। किसी शहर की रोशनी के लिए जितना खर्च स्ट्रीट लाइट पर आता है उसकी तुलना में ये चांद सस्ता पड़ेगा। कृत्रिम चांद से 50 वर्ग किलोमीटर के इलाके में रोशनी करने से हर साल बिजली में आने वाले खर्च में 1.2 अरब युआन यानी कि 17.3 करोड़ डॉलर बचाए जा सकते हैं। रोशनी का ये जरिया आपदा या संकट से जूझ रहे इलाकों में ब्लैकआउट की स्थिति में राहत के कामों में भी बड़ा मददगार होगा। अगर इस चांद से एक मुश्त खर्चे पर लगातार कई सालों तक मुफ्त बिजली मिलने लगे तो ये लंबी अवधि के लिए काफी सस्ता पड़ेगा। चीन का ये कहना है दैट बहुत बड़ा बड़ा शहर में स्ट्रीट लाइटिंग के लिए हम बहुत एक्सपेंडिचर कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर कर रहा है। तो इस तरह से आप एक स्क्रीन रख के रात में आप सनलाइट भेज दिया तो ये बड़ा सिटी में, बड़ा शहर्स में आप स्ट्रीट लाइटिंग को कम कर सकता है।
स्ट्रीट लाइटिंग इतना ब्राइट नहीं करना क्या आवश्यक नहीं होगा करके वो एक कर रहा है, बट इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस भी है। चीन द्वारा कृत्रिम चांद बनाने के ऐलान के बाद ये भी सवाल उठने लगे हैं कि क्या नकली चांद बनाना मुमकिन है। वैज्ञानिकों का मानना है कि वैज्ञानिक तौर पर ऐसा करना मुमकिन है, हालांकि इसमें चुनौती भी है। नकली चांद को स्थापित करने में दूरी की समस्या है, इसके लिए एक स्थिर कक्षा की जरूरत होगी। यानी सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक खास इलाके में रोशनी करने के लिए इस सैटेलाइट को बिल्कुल खास जगह पर रखना होगा। अगर इसकी दिशा में 1 डिग्री के 100वें हिस्से में भी चूक हुई तो नकली चांद की रोशनी किसी दूसरे इलाके में पहुंच जाएगी। हालांकि कुछ वैज्ञानिक इसके मिशन से प्रकृति पर पड़ने वाले असर को लेकर भी चिंतित हैं। इनका मानना है कि ये नकली चांद धुंधला सा दिखेगा और जानवरों के दैनिक कामों पर इसका असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इस चांद की वजह से रात को जागने वाले जानवरों पर असर पड़ेगा। इस कृत्रिम चांद की रोशनी बहुत अधिक होगी तो इसका असर प्रकृति पर भी पड़ेगा और जानवर इसका शिकार बनेंगे। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि चीन में पहले से ही रोशनी से जुड़ा प्रदूषण है और इस चांद से इसमें वृद्धि होगी। आकाश पोपली और लीना शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 20 जुलाई 1969 की तारीख थी जब नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर कदम रखकर इतिहास रच दिया। ये उस दौर की बात है जब अंतरिक्ष में जाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। तभी से ज्यादातर देश अंतरिक्ष में अपनी पहुंच और पकड़ बनाने में जुट गए। चीन भी इस दौड़ में पीछे नहीं रहा, हालांकि उसने विकसित देशों के मुकाबले थोड़ी देर से पहल शुरू की, लेकिन कम समय में ही उसने अंतरिक्ष की दुनिया में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। हालांकि ये भी एक सच है कि इसके लिए उसने अंतर्राष्ट्रीय नियमों की बार बार अनदेखी भी की है। चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के निर्देशन में चीन ने अंतरिक्ष की दुनिया में एक बड़ी छलांग लगाई। ১৯৫০ के दशक के उत्तरार्ध से शुरू हुआ चीन का अंतरिक्ष कार्यक्रम आज दुनिया के सबसे सक्रिय उन्नत और सफल अंतरिक्ष कार्यक्रमों में से एक है। हालांकि चीन की मंशा और नियत पर समय समय पर सवाल उठते रहे हैं और यही वजह है कि अमेरिकी संसद ने साल 2011 में अपनी अंतरिक्ष एजेंसी नासा को चीन के साथ काम करने से रोक दिया। अमेरिका इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानता है। दरअसल चीन अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम में अमेरिका और रूस की बराबरी करना चाहता है और इसके लिए उसने कई महत्वाकांक्षी परियोजनाएं बनाई हैं। चीन के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक क्वान जुसेन को माना जाता है, जिन्होंने 1955 में चीन में बैलिस्टिक मिसाइल और कई रॉकेटों को विकसित करने की शुरुआत की। उन्होंने ही 1958 में चीन के पहले उपग्रह और रॉकेट को लॉन्च करने की पेशकश की। इसके बाद अप्रैल 1970 में चीन ने अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया। 1980 के दशक के अंत में चीन ने अपनी महत्वाकांक्षी स्पेस नीति की घोषणा की, जिसमें स्पेस शटल और स्पेस स्टेशन विकसित करने की बात कही गई। इसके बाद 1986 में चीन ने ये ऐलान किया कि वो वाणिज्यिक अंतरिक्ष लॉन्च बाजार में प्रवेश कर रहा है। 1999 में चीन ने अपना पहला अंतरिक्ष यान लॉन्च किया। इसके बाद 2001 में दूसरा अंतरिक्ष यान लॉन्च किया, हालांकि ये परीक्षण उड़ान थी। मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान में चीन को पहली सफलता साल 2003 में मिली, जब शेनजू अंतरिक्ष यान से चीनी नागरिक यांग लिवेई को अंतरिक्ष में भेजा गया। 2011 में चीन ने अंतरिक्ष की दुनिया में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए मानव रहित अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर दिया। मानव रहित अंतरिक्ष यान शेनजू 8 रॉकेट से छोड़ा गया। साल 2016 में चीन ने अपने 2 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष प्रयोगशाला में भेजा। ये अभियान चीन के लिए इस लिहाज से भी काफी अहम है क्योंकि चीन 2020 तक अपना अंतरिक्ष में पहला अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना चाहता है। ये पहला उतारा नहीं गया चांद पर। 2013 में एक जो लैंडर उतारा गया था, तो ये उनका तो दूसरा लैंडिंग है चांद पर। वो मतलब ह्यूमन बीइंग भेज चुके हैं, एस्ट्रोनॉट्स को भेज चुके हैं, और अभी जो है चांद में जो है ह्यूमन्स को उतारने का बात वो सोच रहे हैं। दरअसल चीन 2030 तक अंतरिक्ष में सबसे शक्तिशाली देश बनना चाहता है। चीन की इच्छा मंगल ग्रह को छूने की भी है। इसके लिए चीन अगले एक दशक में अंतरिक्ष शोध के क्षेत्र में सबसे आगे निकलना चाहता है।
चीन के नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक 2020 में मंगल पर पहली खोजी मशीन भेजी जाएगी। ये मशीन मंगल का चक्कर काटेगी और आंकड़े जुटाएगी। मंगल के अलावा गुरु और उसके चंद्रमा के लिए भी चीन खोजी मिशन भेजने वाला है। चीन का एक लक्ष्य है दैट अभी आप देखा तो सिर्फ एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का कोलैबोरेशन में चीन अभी भाग नहीं है। सो चीन बोल रहा है दैट मैं अपनी आप एक स्पेस स्टेशन बना के उधर लोग को भेजने के लिए तैयारी कर रहा हूँ। ये एक स्टेपिंग स्टोन होगा। वो बोल रहा है दैट लोग को उधर चीन आदमी को चांद पर भी 2030 तक 35 तक हम लेके जाएंगे करके एक प्लान वो अनफोल्ड किया है। बीते 3 दशकों में चीन ने अंतरिक्ष अभियान में अरबों डॉलर झोंके हैं। चीन ने रिसर्च और ट्रेनिंग पर भी खासा ध्यान दिया है। यही वजह है कि 2003 में चीन ने चंद्रमा पर अपना रोवर भेजा था और वहां अपनी लैब बना दी। चीन अब 20 टन भारी अंतरिक्ष स्टेशन भी बनाना चाह रहा है। अमेरिका और रूस के बाद चीन तीसरा ऐसा देश बन चुका है जिसने लोगों को अंतरिक्ष में भेजा है। लेकिन चीन का अंतरिक्ष अभियान और नियत हमेशा से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजरों में शक के घेरे में रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अंतरिक्ष की दुनिया में भारत भी किसी से पीछे नहीं है। साल दर साल भारत ने अंतरिक्ष की दुनिया में लगातार नई उपलब्धियां हासिल की हैं। 10 साल पहले भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में एक ऐसी उपलब्धि हासिल की जो सिर्फ कुछ चुनिंदा देशों के पास थी। जहां 10 साल पहले देश के पहले चंद्र अभियान में अंतरिक्ष यान को चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक दाखिल कराया गया और अब इसरो इस साल 16 फरवरी से पहले चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण करने वाला है। इस मिशन पर करीब 800 करोड़ रुपए की लागत आएगी। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं इस रिपोर्ट के साथ, लेकिन आपको याद दिला दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम RSTV के YouTube चैनल पर देख सकते हैं, जहां आपके सुझावों का हमें रहता है इंतजार। नमस्कार। चंद्रयान 1 की सफलता के बाद से ही इसरो अपने अब तक के सबसे चुनौतीपूर्ण अंतरिक्ष मिशन चंद्रयान 2 की तैयारी में जुट गया था। चंद्रयान 2 के तहत इसरो पहली बार चंद्रमा के लिए ऑर्बिटर, रोवर और लून लैंडर भेजेगा। इस अभियान से नई तकनीकों के इस्तेमाल और परीक्षण के साथ साथ नए प्रयोगों को भी बढ़ावा मिलेगा। इंडिया भी उनका मून मिशन को स्पीड अप किया है। चंद्रयान 1 वी हैव सक्सेसफुली डेमोंस्ट्रेटेड, वो आपको पता है। चंद्रयान 2 लगभग दिस साल में 2019 में जाएगा। वो भी एक महत्वपूर्ण मिशन होगा कम से कम इसरो के लिए, बिकॉज दिस विल बी सॉफ्ट लैंडिंग ऑन मून। देन इसमें भी एक रोवर कार चांद के डिफरेंट डायरेक्शन में जाके स्टडी करेगा। भारत का अगला मिशन चंद्रयान 2 16 फरवरी 2019 से पहले लॉन्च हो सकता है। लॉन्च होने के 40 दिन बाद ये चांद पर लैंड करेगा। इस मिशन के तहत इसरो पहली बार अपने यान को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारने की कोशिश करेगा। पहले चंद्रयान 2 को साल 2018 में अंतरिक्ष में जाना था, लेकिन इसके डिजाइन में कुछ बदलाव किए जाने थे जिसके कारण इसमें देरी हुई। नए डिजाइन में करीब 600 किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई है। दरअसल प्रयोगों के दौरान पता चला था कि उपग्रह से जब चंद्रमा पर उतरने वाला हिस्सा बाहर निकलेगा तो उपग्रह हिलने लगेगा। इसके लिए डिजाइन में सुधार और वजन बढ़ाने की जरूरत महसूस की गई। पहले कुल प्रक्षेपण वजन 3,250 किलोग्राम होना तय था, अब यह 3,850 किलोग्राम होगा। यान के ऑर्बिटर का वजन 2,379 किलोग्राम, लैंडर का 1,471 किलोग्राम और रोवर का 27 किलोग्राम होगा। अलग अलग प्रयोगों के लिए ऑर्बिटर में 8, लैंडर में 4 और रोवर में 2 पेलोड होंगे। चंद्रयान 2 चंद्रयान 1 की अपेक्षा कहीं बड़ा और भारी होगा और अपने साथ चंद्रमा पर उतरने वाला एक लैंडर भी लेकर जाएगा, जिसमें चंद्रमा पर विचरण करने वाला एक रोवर भी होगा। लैंडर चांद की धरती पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, जिसके बाद रोवर निकलकर चांद के सतह पर कई प्रयोगों को अंजाम देगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने दूसरे चंद्र मिशन चंद्रयान 2 के लिए महत्वपूर्ण पेलोड KA बैंड राडार अल्टीमेटर तैयार किया है। यह पेलोड चंद्रयान 2 के लैंडर में लगेगा। इस पेलोड का इंटीग्रेशन लैंडर में किया जाएगा और उसके बाद परीक्षण की प्रक्रियाएं शुरू होंगी। KA बैंड राडार अल्टीमेटर और HDA प्रोसेसर चंद्रयान 2 के लैंडर का एक मुख्य पेलोड है, जिसका विकास पूर्णतः स्वदेशी तकनीक से अहमदाबाद के अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र ने किया है। मिशन में इसकी अहम भूमिका होगी।
चंद्रयान 2 के लैंडर का नामकरण इसरो के संस्थापक विक्रम साराभाई के नाम पर विक्रम किया गया है। हालांकि पहले इस लैंडर की आपूर्ति रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मोस को करना था, लेकिन समझौता टूटने के बाद इसरो ने खुद इसका विकास किया। चंद्रयान 2 चंद्रयान 1 के समान ही चंद्रमा से 100 किलोमीटर दूर रहकर उसकी परिक्रमा करेगा। लैंडर कुछ समय बाद मुख्यान से अलग होकर चंद्रमा की सतह पर हौले से उतरेगा और उसमें रखा रोवर सब कुछ ठीक होने पर बाहर निकलकर लैंडर के आसपास घूमता हुआ तस्वीरें लेगा। इसके अलावा वो चंद्रमा की जमीनी बनावट के नमूने लेकर अलग अलग उपकरणों की सहायता से उनकी जांच परख करेगा। ये एक इम्पॉर्टेंट काम इसका होगा, ग्राउंड ट्रूथिंग करना। दैट इज अर्लियर चंद्रयान 1 दूर से चांद को मिनरोलॉजी मैपिंग किया है, दैट इज चांद के धरती में क्या क्या मिनरल्स है करके मैपिंग किया है। सो ये रोवर उधर उधर जाके चेक करके वो है करके प्रूफ किया तो देन एक तरीके से ग्राउंड ट्रूथिंग करके बोलेगा, उस तरह से आपको मिनरोलॉजी मैप को और साबित होने का संभावना होगा। चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण जीएसएलवी मार्क 2 की जगह जीएसएलवी मार्क 3 से होगा। इस दिशा में इसरो ने एक और महत्वपूर्ण पड़ाव पार कर लिया है। चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण जिस भारी रॉकेट यानी जीएसएलवी मार्क 3 से किया जाएगा उसमें इस्तेमाल किए जाने वाले क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण पूरा हो गया है। मिशन के दौरान चंद्रमा की सतह में मौजूद तत्वों का अध्ययन करके यह पता लगाया जाएगा कि उसके चट्टान और मिट्टी किन तत्वों से बनी है, साथ ही वहां मौजूद खाइयों और चोटियों की संरचना का भी पता लगाया जाएगा। चंद्रमा की सतह पर प्लाज्मा घनत्व और उसमें होने वाले परिवर्तन, ध्रुवों के पास की तापीय गुणों, चंद्रमा के आयनोस्फेयर में इलेक्ट्रॉनों की मात्रा का अध्ययन भी किया जाएगा। पृथ्वी के उपग्रह पर खनिज पानी और हाइड्रोक्सिल्स के निशान ढूंढने के अलावा और चंद्रमा की सतह की त्रिआयामी तस्वीरें लेना भी मिशन का उद्देश्य होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।